क्या लगता है कि जातिवाद खत्म हो पाएगा? जातिवाद अभी तो नहीं ख़त्म हो पाएगा, सैकड़ों साल और लग जाएंगे जिस हिसाब से आजकल जातिवादी व्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि मनुवादी लोग सुधरने को ही तैयार नहीं है। कभी 9 साल के बच्चे को मार देते हैं, कभी हमारे बहन मनीषा के साथ में बलात्कार कर देते हैं, और अभी छुआछात ख़त्म करने के लिए गुजरात से कुछ आ रहे थे हमारे समाज के लोग, लेकिन हाँ जी वो यात्रा थी, और राष्ट्रपति जी ने और प्रधानमंत्री जी ने वो सिक्का ना लेकर के ये साबित कर दिया कि छुआछात हमें ख़त्म करनी नहीं है। ये जो बहुत ही अच्छा मिशन है कि हर जाति हर धर्म को जोड़ने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, जो अपने वो घर पे बैठी हैं, जो डरती हैं समाज में निकलने से बात करने से, उनको दबाया जा रहा है। आज महिलाएं पुरुषों से कहीं भी अलग नहीं है, हर क्षेत्र में हर कार्य क्षेत्र में वो अपना बहुमूल्य योगदान दे रही हैं, मर्दों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, मगर कहीं ना कहीं समाज के प्रति जाति के प्रति उनके ऊपर दबाव है, जो वो आज भी बहुत सी महिलाएं जो घर से बाहर निकलने में डरती हैं। मेरा नाम तुषार मखवाना है, मैं 19 साल का हूँ। अच्छा, मैं गेरवे स्कूल से 12th पास आउट हूँ। ये 19 साल के हैं, और मैं बता दूँ अभी 30-30 साल के बहुजन युवा जो मनुवादी व्यवस्था में पड़े हुए हैं, कैसे प्रेरित हुए बौद्ध धर्म के लिए? समाज को देख के के आगे बढ़ रहा है देश। माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो भी यह बीड़ा उठाया है बहुत अच्छा है, जो जाति छोड़ो समाज जोड़ो, ये सबसे अच्छा उनका ये मूल मंत्र है, क्योंकि इसी से ही जातिवाद और सब कुछ ख़त्म होगा। मेरा नाम सुनीता जी है। आज इस यात्रा में आप लोग आए हो, क्या संदेश देना चाहोगे बाकी महिलाओं के लिए? जो महिलाएं आज बहुजन समाज के घर बैठी हुई है और कहीं ना कहीं पाखंडवाद को भी मानती है। आतंकवाद को, अखंडवाद, पाखंडवाद को। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले तो कि जो हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी ने ये जो मिशन जय भीम का निकाला है, मानो एक समान को, उसमें ये बहुत ही अच्छा वो है। इसमें कोई जाति धर्म का, जो हमारे देश में जाति के ऊपर विवाद हो रहा, धर्म के ऊपर विवाद हो रहा, ये अगर हम सब समाज धम्म, अगर हम क्या देख करके बौद्ध धम्म को अपनाएंगे, जिसमें हर जाति एक जैसे, मानो एक समान, उसमें जो हिंसा हो रही है, ये जो जाति धर्म के नाम से जो मार काट हो रही है, अलगाव हो रहा, अलगाववादी आपस में, मानव सभ्यता में जो क्या कहते हैं प्रेम नहीं रह गया है, वह एकता बनी रहेगी, तो ये हमारे मंत्री जी के द्वारा, राजेंद्रपाल गौतम जी के द्वारा ये जो बहुत ही अच्छा मिशन है कि हर जाति हर धर्म को जोड़ने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, जो अपने वो घर पे बैठी हैं, जो डरती हैं समाज में निकलने से बात करने से, उनको दबाया जा रहा है। आज महिलाएं पुरुषों से कहीं भी अलग नहीं है, हर क्षेत्र में हर कार्य क्षेत्र में वो अपना बहुमूल्य योगदान दे रही हैं, मर्दों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, मगर कहीं ना कहीं समाज के प्रति जाति के प्रति उनके ऊपर दबाव है, जो वो आज भी बहुत सी महिलाएं जो घर से बाहर निकलने में डरती हैं। तो यह जो यात्रा रथ यात्रा निकाली जा रही है, यह इसीलिए निकाली जा रही है कि जो महिलाएं इस बौद्ध धर्म से और जो समाज के अत्याचारों से ग्रसित है और जो इसके आगे नहीं समझ पा रही, उनको वो मतलब ये सब नहीं मिल, समाज के द्वारा जो महिलाओं के प्रति हीन भावना है उससे वो उबर नहीं पा रही हैं, तो ये एक मुहिम ऐसी चलाई जा रही जो मानव स्त्री पुरुष सब एक समान है, कोई जाति ना हो, कोई धर्म ना हो, कोई लड़ाई दंगे ना हो, सब एक जैसे हो, सब एक समान हो। जय भारत, जय भीम, मैं यही कहूँगी। ये वो रथ है मिशन जय भीम का, और आज दूसरी बौद्ध धर्म यात्रा है। मेरे साथ में तमाम बुद्धिजीवी है, एक बार इनसे पूछूंगा। सर, क्या संदेश देता हुआ जा रहा है ये रथ? ये बहुत बढ़िया संदेश देता जा रहा है, समाज को जगाता जा रहा है, और जो है लोगों को जोड़ता जा रहा है, इसका बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है जी। और गौतम जी ने जो बीड़ा उठाया है जी, इससे आम जन में बहुत ही अच्छा संदेश जा रहा है।
बड़े लोगों के अंदर बहुत जागरूकता है और बड़ी खुशी है कि किसी बंदे ने ये जो इस टाइम जो है ये जो जो मिशन का काम उठाया किसी ने। जी सर, परिचय आपका? मैं राम कुमार कौंडली से हूँ। सर आप कहाँ से हैं? मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं जौहरीपुर से हूँ। माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो भी यह बीड़ा उठाया है बहुत अच्छा है। जो जाति छोड़ो समाज जोड़ो, ये सबसे अच्छा उनका ये मूल मंत्र है, क्योंकि इसी से ही जातिवाद और सब कुछ खत्म होगा। क्या लगता है कि जातिवाद खत्म हो पाएगा? जातिवाद अभी तो नहीं ख़त्म हो पाएगा, सैकड़ों साल और लग जाएंगे जिस हिसाब से आजकल जातिवादी व्यवस्था बनी हुई है। क्योंकि सुधरने मनुवादी लोग सुधरने को ही तैयार नहीं है। कभी 9 साल के बच्चे को मार देते हैं, कभी हमारे बहन मनीषा के साथ में बलात्कार कर देते हैं, और अभी छुआछात ख़त्म करने के लिए गुजरात से कुछ आ रहे थे हमारे समाज के लोग, लेकिन हाँ वो यात्रा थी, और राष्ट्रपति जी ने और प्रधानमंत्री जी ने वो सिक्का ना ले करके ये साबित कर दिया कि छुआछात हमें ख़त्म करनी नहीं है। ये मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, इसलिए इनसे सतर्क रहना जरूरी है पूरे समाज को। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को भी और मंत्री जी साहब राजेंद्र पाल गौतम जी का भी, जो ये ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, जो समाज को जोड़ रहे हैं। क्योंकि पहले बाबा साहब पुराने समय से हमारे महापुरुष जोड़ते आए समाज को, फिर बाबा साहब आए उन्होंने जोड़ा, फिर साहब काशीराम आए उन्होंने जोड़ा, आज बाबा साहब के मिशन को साहब काशीराम जी के मिशन को मंत्री जी साहब राजेंद्र पाल गौतम जी लेकर चल रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। जय भीम नमो। मिशन जय भीम के, जब से मिशन जय भीम का स्थापना हुआ है तब से जुड़े हुए हैं प्रदीप सागर मेरे साथ में है, क्या संदेश देंगे सर? देखिए, बौद्ध धम्म यात्रा अपने आप में एक संदेश दे रही है, जो बता रही है कि मानव एक समान है, और बहुजन महापुरुष जितने हुए हैं उनकी इस पूरे रथ के चारों ओर तस्वीरें लगी हैं, वो साक्षात मौजूद हैं और कह रहे हैं कि अगर आपको इस शोषणकारी व्यवस्था, जातिवादी व्यवस्था से अगर मुक्ति चाहिए तो बौद्ध धर्म को आपको अपनाना पड़ेगा। बिना बौद्ध धर्म को अपनाए आप कभी समानता प्राप्त नहीं कर सकते। बुद्धिज्म में ना कोई ऊंच नीच है, ना कोई जात पात है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की भी अंतिम इच्छा रही कि वो भारत को बौद्धमय कर दें, और बाबा साहब के जो सच्चे अनुयायी हैं उन्होंने और ख़ास तौर से मिशन जय भीम ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम बाबा साहब की उस अंतिम इच्छा को जरूर पूरा करेंगे और बहुत जल्द भारत बौद्धमय होके रहेगा। जय भीम के दूसरा द्वितीय बौद्ध धम्म यात्रा है, इस वक्त मैं रथ पर हूँ और रथ पर तमाम युवा है, और पूछना चाहूँगा कि कैसा फील कर रहे हैं बौद्ध धम्म रथ पे चढ़ के? अच्छा सा लग रहा है, मतलब जैसे अपने धर्म आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। बड़ी सही युद्ध में, इस कलयुग में जैसे बड़ी बड़ी आगे हमारे बड़ी बड़ी जातियाँ हैं, कास्टें हैं, उनके सामने हम कुछ नहीं मानते अपने आपको। जी जैसे हमारे यूथ पढ़ा लिखा है, अब जी अब पढ़ा लिखा मान रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं समाज के साथ, तो अच्छा लग रहा है। हमारे हमारे जो हमारे यंगस्टर हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें हमारे बारे में पता लग रहा है, हमारे समाज के बारे में पता लग रहा है, इस बारे में अच्छा लग रहा है चलते हुए देखते हुए। एक और परिचय दे दो अपना। मेरा नाम तुषार मखवाना है, मैं 19 साल का हूँ। अच्छा, मैं ग्रेजुएट स्कूल से 12th पास आउट हूँ। ये 19 साल के हैं, और मैं बता दूँ अभी 30-30 साल के बहुजन युवा जो मनुवादी व्यवस्था में पड़े हुए हैं, कैसे प्रेरित हुए बौद्ध धर्म के लिए? ये समाज को देख के कि आगे बढ़ रहा है देश, देश जैसे आगे बढ़ता है तो पता लगता है कि लोग कैसे चल रहे हैं, कैसे नहीं चल रहे, और उसी कारण देखना पड़ रहा है अब आगे। जब हमारा समाज आगे बढ़ेगा तभी हमारे लोग आगे बढ़ेंगे, लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। मैं पुनीत और मेरे साथ में पुनीत निगम, कैसा फील कर रहे हैं बौद्ध धर्म रथ पे? बाबा साहब के दिखाए मार्ग का अनुसरण करने के लिए समाज बढ़ चुका है। आने वाले 2025 तक 10 करोड़ परिवार तथागत बुद्ध के दिखाए मार्ग, तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे और बाबा साहब के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। जातिविहीन समाज की स्थापना के लिए बौद्ध धर्म रथ निकल चुका है। आज बौद्ध धर्म रथ सीमापुरी विधानसभा में जगह जगह गली मोहल्ले कूचों से निकल रहा है, जगह जगह हमें बहुत समर्थन मिल रहा है, समाज के लोग बहुत जुड़ रहे हैं इसमें। युवाओं को कैसे संदेश देंगे, कैसे प्रेरित करेंगे? आप तो जुड़ गए बौद्ध धर्म में और मिशन जय भीम में जुड़ गए, और बहुजन युवाओं कैसे जोड़ेंगे बच्चों को? युवाएं जुड़ रहे हैं, जैसे जैसे अम्बेडकर के साहब को पढ़ रहे हैं, शिक्षाएं जो अम्बेडकर साहब दिखा कर गए हैं, और देश में जो कट्टर
सभी को बाबा साहब के दिखाए मार्ग का अनुसरण करना ही होगा जी। तो ये थे मेरे साथ में पुनीत निगम, और पुनीत के साथ में पुनीत निगम जुड़े हुए थे और मिशन जय भीम के काफ़ी पुराने सक्रिय बहुजन युवा है और कार्यकर्ता है। जय भीम, मैं पुनीत गौतम अपने सहयोगी सुमित और राज के साथ में सुपर जस्टिस न्यूज और समीक्षा संवाद टीवी पर।